द्वारकाधीश के मंदिर में आते ही भगवान द्वारकाधीश के तीर्थ पुरोहित जो यहाँ पर में है स्वागत हुआ, स्वागत चंदन ग्रहण किया। चंदन ग्रहण के बाद में भगवान द्वारकाधीश की जो ध्वजा है वो ध्वजा का सिर में शिरोधार करके सबसे पहला कार्य भगवान द्वारकाधीश की परिक्रमा। परिक्रमा के बाद में भगवान द्वारकाधीश का सीधे ही चरण पादुका का पूजन। थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ा क्योंकि भगवान द्वारकाधीश को राजभोग आया हुआ था, तो राजभोग का दर्शन खुलने के बाद में राजभोग का चरण पादुका पूजन हुआ। उसके बाद भगवान द्वारकाधीश के दर्शन आशीर्वाद पाए और फिर जाकर के शंकराचार्य पीठ, शारदा पीठ जो है, शारदा पीठ में जाकर के वहाँ भी आशीर्वाद लिए गुरु जी के। और उसके बाद में प्रसाद ग्रहण, आज के दिन में राहुल गांधी जी की तरफ से भगवान द्वारकाधीश का मनोरथ है, यानी भगवान द्वारकाधीश को राजभोग भी जो लगाना है तो उनकी तरफ से है, तो राजभोग भी जहाँ भी उनका एकोमोडेशन होगा वहाँ पहुँचेगा वो। और उसके बाद में जिसको तीर्थों में बोलते हैं बही खाता, जहाँ पे वंश परंपरागत लोगों के नाम होते हैं, उसमें भी उसने विजिटिंग बुक में अपना नाम दर्ज कराया। आज के दिन में द्वारकाधीश की जो दर्शन किए उस हिसाब से वहाँ पर में उसने लिखा पढ़ी की और अपना नाम दर्ज कराया। पादुका पूजन ये है कि आने वाला यात्री भगवान द्वारकाधीश के चरण स्पर्श करने के लिए नहीं जा सकता है, इसी वजह से भगवान द्वारकाधीश के चरण जो है पादुका है वो बाहर लाया जाता है और वही चीज़ उनकी पूजा होती है।